देखो, एक तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऊपर जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से रिलेटेड थी और ऑर्डनरी लॉज को इनेक्ट करने से रिलेटेड थी, ये चीज़ हमने सीख ली थी। दिवजोत, मुझे ये बताओ कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी की तरह मिलती थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी की तरह मिलती थी, तो उसको प्रिसाइड कौन करता था? उस मीटिंग को कौन प्रेसिडेंट होता था? कौन प्रेसिडेंट? डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए मिलती थी, तब उसको प्रिसाइड कौन करता था? तब कौन प्रिसाइड करता था? भूल गए नाम? तो जीवी मवलंकर, जीवी मवलंकर, ठीक है। वॉइस क्लियर आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना? थोड़ा सा बेस बढ़ाएं, ये लो, अब ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये पढ़ने बैठे हैं आज, इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा और ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट करने के अलावा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती थी। जैसे नंबर वन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस चीज़ को रेटिफाई करा था, यानी कि इस चीज़ की मंजूरी एक तरीके से दी थी पूरे के पूरे हिंदुस्तान के बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया एज अ कंट्री, कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट बनेगा, उसका मेंबर बनेगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई करा मई 1949 में। समझ गए ना? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबरशिप हम ज्वाइन कर रहे हैं। अब उस टाइम पर कोई प्रेसिडेंट, कोई वाई कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारी बॉडीज़ तो है नहीं कि कोई डिसीजन ले सके इंडिया के बिहाफ पे, कि कल को प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो साइन कर कर आ गए कि हाँ जी हम इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने जा रहे हैं। लेकिन ये उस ज़माने की ज़रूरत थी। अभी बताता हूँ थोड़ी देर में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या था, उस ज़माने की ज़रूरत थी। तो हमें कैसे ना कैसे करके इंडिया को अगर मेंबर बनवाना है तो कोई एक प्रोसीजर, कोई एक प्रक्रिया तो होनी चाहिए ना। तो ये वाला काम, जब कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जैसी पोस्ट नहीं थी, जब कोई डिग्नेटरीज, कोई अथॉरिटीज नहीं थी ना, तो ये इन सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करा करती थी ये वाला काम, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या है? इसका पूरा नाम ये होता है, कॉमनवेल्थ कह लो, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। हुआ क्या, ब्रिटेन ने, आप जैसा कि जानते हो, बड़े सारे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को अपना गुलाम बना रखा था, राइट? ब्रिटेन ने बड़े सारे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को अपना गुलाम बना रखा था, यानी कि हम लोग अगर उसे पॉलिटी की लैंग्वेज में बोले तो ब्रिटेन ने बड़ी सारी अपनी इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के अंदर कॉलोनीज बना रखी थी। जैसे ये कॉलोनीज आज़ाद होती हैं तो हम लोग उनको क्या कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट हो गई और ये बन गए डीकॉलोनाइज्ड नेशंस। लेकिन ब्रिटेन कल को ये चाहता था कि आज़ादी होने के बाद ऐसा ना हो कि ब्रिटेन से रिश्ते ये सारी की सारी कंट्रीज़ की, छोटी मोटी कंट्रीज़ तो थी नहीं, ऑलमोस्ट पूरे अफ्रीका को गुलाम बना रखा था, एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़, लैटिन अमेरिका में भी इतनी सारी कंट्रीज़, लगभग 70-80-90-100 कंट्रीज़ थी लगभग इसके पास ब्रिटेन की जो गुलाम थी। ब्रिटेन उनसे ये नहीं चाहता था कल को कि हमारे रिश्ते इनसे ख़राब हों और कल को ये ब्रिटेन के साथ दोस्ती करने के लिए या फिर ट्रेड रिलेशंस बनाने के लिए बिल्कुल ही मना करते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन की क्वीन ने एक मेंबर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन करी जिसका नाम था कॉमनवेल्थ। और जैसा कि मैंने आपको इसका पूरा नाम बताया, इसका पूरा नाम था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। इसका पर्पस ये था, इसका मैंडेट ही यही है, हर कोई इसका मेंबर नहीं बन सकता, इसका मेंबर वो बन सकता है जो पुरानी
ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, तो ब्रिटेन ने उनको बोला हम आपस में ट्रेडिंग रिलेशंस बढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन उस प्रकार से नहीं कि आपके ऊपर पहले जैसा कॉलोनाइजेशन का एक प्रोसेस अपनाकर आपको गुलाम बना लिया जाए, ठीक है, एक फेयर हम लोग आपस में कल्चरल रिलेशन, सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस ये सारे रखेंगे और हमें एक दूसरे के साथ अपने टाइज यानी कि रिश्ते तोड़ने नहीं है, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, इंडिया को इसकी मेंबरशिप ऑफर करी गई और इंडिया को जब ये ज्वाइन करना था तो इंडिया के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या टॉप ऐसी कोई अथॉरिटीज तो थी नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी नहीं हुआ तो ये सब आएंगे कैसे, इलेक्शंस हुआ नहीं है, इलेक्शन का प्रोसीजर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा, तो ये वाला काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये करा इंडिया के बिहाफ पर, पूरे की पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करा एज अ मेंबर इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन कर कर ये दोबारा इंडिया ने बेवकूफ़ी करी, हाँ के ना? करना चाहिए था दोबारा उससे रिलेशन मेंटेन ब्रिटेन से इतना कुछ होने के बाद, नहीं ना? कशिश आप क्या बोलते हो, सोचते हो? नहीं देखो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं तुम्हें हमेशा बताया कशिश, तुम क्यों भूल जाते हो बे, हाँ या ना में कोई जवाब नहीं होता है, ठीक है, प्लस साइड भी होती है नेगेटिव साइड भी होती है। देखो प्लस साइड एक ये थी ना कि एक तरीके से हमें ट्रेडिंग रिलेशंस का सपोर्ट मिलेगा तो एक्सपोर्ट वगैरह भी माल वगैरह होगा, है ना, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें पुरानी सारी कॉलोनीज है तो ये कब्ज़ा तो कैसे भी करके नहीं जमा सकते हैं, ठीक है। कॉन्स इसका वैसे कोई है ही नहीं, क्योंकि पता है क्या था, ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है, ठीक है, आपने इसको ज्वाइन करा विलिंगली, जब भी कोई ऐसा एग्रीमेंट या समथिंग साइन हो जो कि आपके इंटरेस्ट के खिलाफ हो आप इसे छोड़ दो। और 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया इस ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को छोड़ देता है, छोड़ दिया था इंडिया ने, ठीक है। तो ये कोई हमारे ऊपर फोर्सफुल वो नहीं था ऑर्गेनाइजेशन कि हमें इसको ज्वाइन करके रखना ही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप इंडिया ने ज्वाइन कर ली थी जैसे ही वो फॉर्म हुआ था, इनफैक्ट इंडिया खुद भी आज़ाद नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, हाँ 46 के अंदर यूएन बना था 24 अक्टूबर 1946 को, ये पढ़ोगे आप कशिश मेरे साथ, 6 चैप्टर में पॉलिटिकल साइंस के यूनाइटेड नेशंस का चैप्टर है, दिवजोत आप तो पढ़ चुके हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आज के टाइम में अगर इंडिया यूएन को छोड़ दे तो इंडिया को ये अलाउ है क्या? 1946 में इंडिया ने ज्वाइन करा था यूएन को, 2022 में इंडिया ये बोल रहा है यूनाइटेड नेशंस को हमें छोड़ना है, अलाउ है ये इंडिया को, कर सकता है इंडिया ऐसा? सोच समझ के जवाब दो। तो आप बोल रहे हो नहीं, इंटरनेशनली हम एकदम से बैकआउट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बैकआउट भाई? क्यों नहीं कर सकते बैकआउट? बिल्कुल छोड़ सकते हो आप यूएन को, कोई फोर्सफुल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना है, बिल्कुल छोड़ सकते हो। यूएन भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। सार्क की आप दिक्कतें जानते हो, पाकिस्तान की वजह से इंडिया इसकी मीटिंग में जा नहीं रहा 2016 से, जब से उरी हमले हुए थे, मूवी भी आई थी ना उरी, विकी कौशल की, देखी होगी आपने, उरी अटैक के बाद से इंडिया ने इंपॉर्टेंस नहीं दी सार्क को, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, कशिश पढ़ा होगा आपने इसके बारे में 4 चैप्टर में, आसियान और वो वाले चैप्टर में, है ना, सारे साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान और इंक्लूडिंग इंडिया, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। लेकिन इंडिया इसको अब इतने ज़्यादा सीरियस उस पर नहीं लेता है, तो अब क्या कोई क्या कर लेगा कोई हमारा अगर हम नहीं जा रहे इसकी मीटिंग में? बताओ नैम को लेकर कितना हो अल्लाह मचा था कशिश, याद है ना आपको भी पता ही होगा दिलजोत, ना यूएसए के ग्रुप को ज्वाइन करना है ना यूएसएसआर के ग्रुप को ज्वाइन करना है,
आज के टाइम में नेम कहीं देखने को मिलता है आपको, बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, या इंडिया बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से उसका उसको प्रपोगेट करता हो नैम के एजेंडा को? नहीं ना, ये चीज़ है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, नैम की यहाँ पर बात हो रही है, अगर तो मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर कोई आपसे ये पूछे ना हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है इंडिया की, वैसे तो इसके बड़े सारे पिलर्स हैं लेकिन मैं यहीं पर एक चीज़ बता देता हूँ, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे मेन पिलर है नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को देखता है पहले, नेशनल इंटरेस्ट को, और कभी भी किसी एक कंट्री को खुश करने के लिए और दूसरी कंट्री को दुखी करने के लिए वो किसी एक ग्रुप की, एक सुपर पावर की लाइन को टो नहीं करता है, ठीक है, ना तब करता था कोल्ड वॉर के टाइम पे, ना अब करता है। इंडिया की पॉलिसी नैम रहती है, यानी कि न्यूट्रल रहती है, ठीक है, न्यूट्रल इन द सेंस ऐसे भी नहीं रहती कि वर्ल्ड के मुद्दों पर बोलता भी नहीं है लेकिन लाइन टो नहीं करता, उस सेंस में न्यूट्रल रहती है। तो ये हमने पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फंक्शन और क्या क्या थे, पहला फंक्शन इसका मैंने काफ़ी डिटेल में करवा दिया। अगला, नेशनल फ्लैग इसने अडॉप्ट करा 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, उसके बाद नेशनल एंथम अडॉप्ट करी गई 24 जनवरी 1950 को, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट करा गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, ये भी 24 जनवरी 1950 को, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इलेक्ट करा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कब, ये भी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है, नॉट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ यूपीएससी बट अदर एग्जाम्स, ठीक है, और अदर फंक्शंस थे क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में काम आ सकता है, ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा भी नहीं बनते इसके ऊपर, प्रिलिम्स के अंदर बनते हैं, ठीक है, मेंस में नहीं, प्रिलिम्स के अंदर बनता है इस सेक्शन से क्वेश्चन। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, ये चीज़ आप याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से प्रिलिम्स का, कितने सेशंस टोटल करे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, 11 सेशंस हुए थे, कितना टाइम लगा उसको, ये टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज हो सकती है ड्यूरेशन, जैसे मैं अभी बताता हूँ। टोटल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, 2 years 11 months and 18 days। एग्ज़ाम्स लाइक UPPCS वो क्या करते हैं कि ऐसा ऑप्शन दे देंगे, 2 साल 11 महीने 16 दिन, 2 साल 11 महीने 17 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 19 दिन, ये चेंज कर देंगे, ये वाला 16, 17, 18, 19, तो आप याद रखना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, वो उन्होंने ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था, और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, ड्राफ्ट मतलब एक तरीके से जो बनकर वो रेडी हो गया था और सबको पढ़वाना था कि देख लो एक बारी कैसा बना है क्या नहीं बना, एक तरीके से मतलब डेमो वर्जन उसका, तो ये कंसिडर्ड करा गया, मतलब रिव्यू करा गया 114 दिन के लिए। तो आप सोच सकते हो उसका बल्कीनेस कितनी होगी। अगर आपसे कोई पूछे ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बल्की था, तो उसके बड़े सारे रीजंस आप दे सकते हो, कैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बल्की इसलिए था क्योंकि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स सेक्शन से आते थे और वो बैठते थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, और टोटल 389 मेंबर्स थे, और वो अलग बात है कि बाद में वो रिड्यूस हो गए थे जब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, और कुछ एरियाज, कुछ टेरिटरीज पाकिस्तान के पार्ट में जब वो चली गई थी तो वो मेंबर्स मुस्लिम लीग के जो कि पाकिस्तान की साइड से बिलोंग करते थे वो उस साइड चले गए थे, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले मेंबर्स बहुत ज़्यादा तादाद में थे, जो कि हमारे देश के हर एक कोने, हर एक रीजन, हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन को रिप्रेजेंट करते थे। नंबर वन रीजन ये। दूसरा रीजन फॉर द बल्कीएस्ट साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कि आप इसी से अंदाज़ा लगा लो, मतलब आप ये लिखना कि अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, ठीक है। तीसरा फैक्टर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तीसरा रीज़न, ठीक है, अगेन वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन्स जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा बल्कि है। और चौथा रीज़न, जो ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ इसके रिव्यू में भी लगभग 114 दिन, इसका मतलब कितना टाइम हो गया, ये 120 दिन, 4 महीने, है ना, 3/4 12, 4 महीने के लिए तो सिर्फ रिव्यू रिव्यू रहा है, ठीक है,
उस जमाने के हिसाब से जब ये बना 1947, 1949, 1950 तक जब ये रेडी हुआ, तो कितना इस 2 साल 11 महीने 18 दिन लगभग 3 साल के ड्यूरेशन में लगभग कितना खर्चा आया? 64 लाख रुपीस खर्चा आया, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही ये बिल्कुल मतलब लास्ट ऑफ द लास्ट सेशन था, क्योंकि मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो एक तरीके से फाइनल सेशन था, लेकिन इसके बाद मतलब वही वाली चीज़ है जो मैं आपको इस चैप्टर के शुरू से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं उसके बाद जहाँ पर ये बैठकर मिलते थे वो बिल्डिंग डाइल्यूट हो गई या कुछ डाइल्यूट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज द सेम बिल्डिंग जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, बाद में वो प्रोविंशियल पार्लियामेंट के तौर पर माना गया, ठीक है। अभी तक आप एक चीज देख रहे हो, टर्म पे ध्यान दो। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, शुरू में राइटर हमसे कह रहा था डोमिनियन लेजिस्लेचर, याद है वाली टर्म, डोमिनियन लेजिस्लेचर, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डोमिनियन लेजिस्लेचर की तरह फंक्शन करती थी, ऑर्डिनरी लॉज वगैरह बनाती थी, लेकिन तब तक वाइसरॉय वगैरह थे यहाँ पर संभालने के लिए, याद है ना, कि जब तक तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेते हो तब तक वी आर देयर, हम देखेंगे ऑर्डिनरी लॉज वगैरह को, कानूनी प्रक्रिया को, कि देश में दंगे ना हो, सिविल वॉर ना हो, कानूनी व्यवस्था सही तरीके से चले, बताओ, याद है ना, ठीक है। लेकिन अब ये टर्म यूज कर रहा है यहाँ पर कशिश देवजोत, प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये क्यों, ये पलट कैसे गया? देखो छोटी छोटी चीजें होती हैं, ध्यान ही नहीं दोगे इसके ऊपर तो काम कैसे चलेगा। ये डोमिनियन लेजिस्लेचर का टर्म चेंज हो गया, ये कैसे बन गया? क्योंकि डोमिनियन लेजिस्लेचर का जो टर्म यूज हो रहा था, डोमिनियन मतलब हाफ लेजिस्लेचर, तो हाफ लेजिस्लेचर मतलब हाफ लॉ कौन बना था, वो ब्रिटिश बना रहे थे। ये वादा कब तक का था कि हम तुम्हारे लेजिस्लेचर को, यानी कि तुम लेजिस्लेचर तो था ही नहीं कुल मिलाकर, आपको पता ही ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही, क्योंकि वो ऑर्डिनरी लॉज बनाता था किसी किसी दिन पे, इसलिए उसको लेजिस्लेचर कहते थे, लेकिन कंप्लीट पावर अभी तक हमारे पास नहीं थी ना, अभी इलेक्शंस वगैरह कहाँ हुए थे, मतलब वो करके अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिशर संभाल रहे थे, तो इसलिए उसको कहते थे डोमिनियन लेजिस्लेचर। अब ये डोमिनियन लेजिस्लेचर जो टर्म होकर ये जो चेंज आई है ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये टर्म पता है क्यों आई है? अब देखो ना, ये साल देखो, 24 जनवरी 1950, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी कब होता है? एनी आइडिया अबाउट डेट्स? अभी आ जाएगी वैसे आगे, लेकिन उससे पहले किसी को पता है एग्जैक्ट कब बनकर रेडी होता है? बताओ, प्रीएम्बल में दे भी रखा है, ऑन डैश डेट वी गिफ्ट टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, November 26, 1949, याद आया? ऑन दिस 26th day of November 1949 वी डू हेयर बाय अडॉप्ट एंड गिफ्ट टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये लाइन गिवन है प्रीएम्बल के अंदर। तो हमने 26 नवंबर 1949 के दिन पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट तरीके से रेडी हो गया, तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अब कोई बॉडी की जरूरत तो है नहीं, थोड़े बहुत सेशन चल रहे थे, तो लास्ट सेशन 24 जनवरी 1950 को निपट गया, टोटल 11 सेशन हुए। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रोल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब वो जो बिल्डिंग थी, हमने उसको एक नया नाम दिया कि वैसे तो ये पहले डिसाइड हो चुका था, लेकिन अब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम पूरी तरीके से हटाकर अब हमने बोला नाउ दिस विल सर्व एस आवर पार्लियामेंट्री बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर इंडिया, ठीक है। और अब तो आज़ादी भी मिल गई, आज़ादी तो 47 में ही मिल गई थी, 3 साल बाद ही हमारा संविधान भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो वो है क्या कहते हैं, जो देश है वो रिपब्लिक भी डिक्लेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको प्रोविंशियल पार्लियामेंट पता है क्यों बोला जा रहा है? टेम्प्ररी पार्लियामेंट अभी भी प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्प्ररी पार्लियामेंट काइंड ऑफ, पता है क्यों यार? अभी इस पार्लियामेंट के अंदर जो भी लोग बैठेंगे वो वही वाले लोग हैं ना जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, बताओ मुझे ज़रा, ये वही लोग हैं ना कि ये
कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग अलग होंगे या पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग अलग होंगे, बताओ। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं ये कह रहा हूं, जो लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठा करते थे, मान लो 389 मेंबर्स ये जो थे, अब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रोल खत्म हो गया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अब जो हमारे देश में जिसको हम लोग पार्लियामेंट कह रहे हैं, तो ये वही 389 मेंबर्स है ना, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताओ। ये कोई नए मेंबर्स तो नहीं है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले मेंबर्स अलग थे और पार्लियामेंट में बैठने वाले मेंबर्स अलग हैं, बोलो। सेम है ना, बिल्कुल। कशिश, कोई डाउट यहां पर? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो हुआ वो फाइनल सेशन हुआ, कंप्लीट तरीके से फाइनल सेशन, और हाउ एवर इट डिड नॉट एंड, और ये प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह ये चलता रहा। कब से? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा देश जो था, कहते ना कि 26 जनवरी को क्यों होता है, क्या होता है, मतलब कशिश दिवजोत क्या मनाया जाता है 26 जनवरी को? रिपब्लिक डे, ठीक है। इस ये किस चीज़ का सिम्बॉलिज्म होता है बताओ? हमारे इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था, तो उस चक्कर में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ये किस चीज़ का सिम्बॉलिज्म होता है, किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है ये वाली चीज़, बताओ। बताओ, कि देखो ये इस चीज़ को सिम्बलाइज करता है, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, कि 26 नवंबर 1949 तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ था ना दिवजोत कशिश, उसके अंदर जो भी बातें लिखी गई थी ना, अब वो इस दिन से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी, इस दिन से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ है इसका मतलब। अब एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये वाली डिस्कशन तो अधूरी रह गई ना, इसका आंसर ये था कि प्रोविजनल पार्लियामेंट जो है वो, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के जब से रेडी हुआ 26 नवंबर 1949, लेकिन अभी इलेक्शंस थोड़ी ना हुए हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर जो मैं आपको 389 मेंबर्स बता रहा था जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर थे, वही तो अब जाकर इस सेम बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, अब ये चीज़ डाइल्यूट हो गई, अब इसका नाम हो गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लेकिन ये कंप्लीट तरीके से पार्लियामेंट नहीं है अभी ये, इसलिए इसको बोल रहा है राइटर प्रोविजनल पार्लियामेंट। पता है कंप्लीट तरीके से पार्लियामेंट क्यों नहीं है दिवजोत, आप इसका आंसर दे सकते हो मुझे, ये कंप्लीट तरीके से पार्लियामेंट क्यों नहीं है, या कशिश आप बताओ, सिर्फ पार्लियामेंट क्यों नहीं कह रहे हैं, ये वर्ड एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है यहाँ पर प्रोविजनल पार्लियामेंट? कोई भी हिंट, कोई भी आइडिया? क्योंकि देखो जनता ने लोगों को इलेक्ट करा था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, देश के लिए कानून बनाने के लिए अभी जनता ने नहीं चुना। और अगर इंडिया ये टाइटल ले रहा था जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया ने डाला कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हम यूनिवर्सल रेट फ्रेंचाइज को फॉलो करेंगे, तो जनता ही तो चुनकर भेजेगी ना। लेकिन ये 389 मेंबर्स को क्या जनता ने चुनकर भेजा था? चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली भेजा था, लेकिन अब जब इसका नाम पार्लियामेंट हो गया, तो क्या जनता की अनुमति है अभी कि पार्लियामेंट में बैठो? इस चीज़ के लिए डिसाइड करके भेजा था क्या जनता ने? नहीं ना। तो अब क्या होगा, जब तक पहले इलेक्शंस नहीं हो जाते हमारे देश के अंदर 1951 से लेकर 52 तक, जब तक फर्स्ट जनरल इलेक्शंस नहीं हो जाएंगे, तब तक क्या होगा दिवजोत और कशिश, ये जो मेंबर्स हैं ये एक प्रोविजनल तौर पर काम करते रहेंगे एज पार्लियामेंटेरियंस, और जब फ्रेश इलेक्शंस हो जाएंगे तब फ्रेश MPs चुनकर आएंगे इसके अंदर, और फिर वो बैठेंगे न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा फिर कुछ सालों के बाद जाकर बनती है अपर हाउस। ये है इसका मतलब, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है। देखो अगर इन दोनों लाइंस को अगर आप कनेक्ट करो, प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950, कब तक ये चलता रहा प्रोविजनल पार्लियामेंट? टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट, जब तक नया पार्लियामेंट नहीं बना। और नया पार्लियामेंट बना कब? आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1951 to 52, ठीक है। और ये 8th पॉइंट जो गिवन है, देखते हैं क्या ये, ये देखो जो प्रोविजनल पार्लियामेंट था
वो एग्जिस्ट होना खत्म हो गया ऑन 17th अप्रैल 1952 इस दिन. इसका मतलब यहां पर क्या हुआ होगा, 17th अप्रैल को क्या हुआ होगा, इलेक्शंस खत्म होकर नए एमपी चुन लिए गए होंगे और उनको अब ओथ लेनी होगी लोअर हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर. तो बस अब नए मेंबर्स आ गए और वो जनता के प्रतिनिधि हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं. तो अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जो अभी तक प्रोविजनल तौर पर सर्व कर रहे थे, अब उनकी कोई ज़रूरत है नहीं. अगर उनमें से कोई था दोबारा आ गया होगा जो, तो ये तो जनता ने फिर से पहुँचाया ना फ्रेश इलेक्शन से. ये चीज़ है द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विद टू हाउसेस, दो हाउसेस के साथ फर्स्ट पार्लियामेंट जो हमारा है वो मई 1952 में आता है, मई मंथ में 1952 में. ठीक है, वन हाउस नोन एज लोकसभा, अदर हाउस नोन एज राज्यसभा. बताओ क्लियर हुई बात. अगली क्लास से पहले आप क्या कर आना कि जितनी ये जो कमिटीज वाला ये जो टॉपिक है ना, यहाँ पर अलग अलग कमिटीज हैं, मैं समझाऊंगा इसको बाद में. पहले आप ना इनके नाम और मेंबर्स याद कराना कि यूनियन पावर कमेटी का प्रेसिडेंट कौन था, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का प्रेसिडेंट कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन था, एडवाइजरी कमेटी का कौन था, मेजर कमेटीज़ कौन कौन सी थी, कितनी थी, माइनर कमेटीज़, ये मतलब एक तरीके से लिस्ट है. बस ये वाला जो है ना ड्राफ्टिंग कमेटी के टॉपिक तक, ये दो पेजेस याद कराना बस, तो ये समझने में टॉपिक ईजी रहेगा क्योंकि फैक्चुअल कंटेंट है ये. फिर आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि जवाहरलाल नेहरू अच्छा इसके अलावा और कहाँ कहाँ थे. जैसे ये देख रहे हो यहाँ पर भी जवाहरलाल नेहरू है, ये चीज़ है, तो आपको ये कवर हो जाएगा ये चीज़. ठीक है, ये होमवर्क है.